हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टेली अपडेट। फ्रेंड्स, बात करेंगे सना खान की, जो कि बॉलीवुड को छोड़कर इस्लाम का प्रचार करना शुरू कर दिया है, जो कि हकीकी जिंदगी को गुजारने के लिए कोशिश कर रही हैं ताकि वो अपनी आने वाली आखिरत को सवार सके। इसीलिए सना खान ने फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री से किनारा कशी कर ली है मुकम्मल तौर पर, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड मुतफी अनस के साथ देखी जाती है और अपने इस्लाम का प्रचार करती हुई दिखाई देती है। सना खान ने हकीकी जिंदगी को पाने के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं और लोगों को बता रही कि इस्लाम की क्या अहमियत है। इसके अलावा जैसा कि रमजान चल रहा है, सना खान ने रमजान के आखिरी ताक रातों से मुतल्लिक भी बताया है कि जब आप अपना रिवार्ड रिसीव करने के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। आइए सुनते हैं सना खान की जुबानी के वो ताक रातों से मुतल्लिक क्या बता रही है कि आप अल्लाह ताला के हजूर अपना रिवार्ड किस तरह हासिल कर सकते हैं और अपनी आखिरत को कैसे सवार सकते हैं ताकि आपकी दुनिया और आखिरत सुकून से गुजर सके। इस वीडियो से मतलब अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज चांद रात है एंड कल हम सब ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं एंड जाहिर सी बात है हम सब ने अल्लाह के हुक्मों को अपने लिमिट्स में जितना हो सके हमने उतना पूरी करने की कोशिश की है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की है। और आज की जो रात है वो भी बड़ी रात है। हम कोशिश करें कि हम खूब इबादत करें। बहुत बार 29th जो रात होती है चांद रात को बाकी सारी चीज़ों में ज़ाया हो जाती है, तो एटलीस्ट घर का काम भी है तो थोड़ा सा और जो इबादत में भी अपना वक्त गुजारें। और इसे एक्चुअली कहते हैं लैलतुल जायज़ा, मतलब रिवॉर्ड वाली नाइट। तो हमने जो पूरा महीना जो भी किया है आज हम अल्लाह से उसका रिवॉर्ड मांगेंगे कि अल्लाह इसे कबूल करे, मकबूल करे और हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसा है जैसे रमज़ान था वैसे ही आने वाली ज़िंदगी को भी बिल्कुल वैसा बनाए। तो अल्लाह से आज आप खूब मांगें, खूब आगुजारी करें और चांद रात सबको बहुत बहुत मुबारक हो।